ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर हिंदुस्तान में पुरुषों को होने वाला सबसे आम कैंसर है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इंडिया में हर साल 10 लाख लोगों की मौत ओरल कैंसर से होती है। इतने भयानक आंकड़े होने के बावजूद ओरल कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता बहुत कम है। इसे लेकर काफी सारे मिथक भी फैले हुए हैं। क्या है ये मिथक, जानते हैं डॉक्टर्स से, साथ ही बात करते हैं इसकी पहचान कैसे करें और बचाव के लिए क्या करना चाहिए। जो ओरल कैंसर या माउथ कैंसर है, जब डॉक्टर इसको सस्पेक्ट करता है या इसका शंका उठता है, तो सबसे पहले टेस्ट एक बायोप्सी ऑर्डर होता है। बायोप्सी माने उसका एक छोटा सा पीस निकाल के लैब में भेजा जाता है। और बहुत लोगों को यह गलतफहमी है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, ये सरासर गलत है। लेकिन इस गलतफहमी के चक्कर में आके बहुत लोग अपना जो डायग्नोसिस है वो डिले कर देते हैं, और बजाय इसके कि बीमारी जल्दी पकड़ी जाए, वो बहुत बड़ी हुई बीमारी या एडवांस स्टेज लेके आते हैं। एक दूसरी गलतफहमी जो इस माउथ कैंसर के बारे में प्रचलित है, वो कि ये सिर्फ तंबाकू इस्तेमाल करने वालों को हो सकता है। ये काफ़ी हद तक बात सच है। 10 में से 8 मरीज ओरल कैंसर के ऐसे होंगे जिन्होंने तंबाकू का दुरुपयोग किया है, लेकिन 2 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने तंबाकू जिंदगी में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, ना चबाया हुआ, ना बीड़ी, ना सिगरेट। तो ये एक मिथ है कि क्योंकि मैंने टोबैको यूज़ नहीं किया है इसलिए मेरे को नहीं हो सकता। हो किसी को भी सकता है, लेकिन तंबाकू या अल्कोहल जो लोग यूज़ करते हैं उनका रिस्क कहीं ज़्यादा है इस बीमारी का होने का। एक तीसरी गलत फहमी है कि ये सिर्फ बूढ़े या बुजुर्गों में होता है, ये भी गलत है। ओरल कैंसर बहुत कम उम्र में भी हो सकता है। हमने पेशेंट 18, 20, 25 साल के भी उम्र में भी देखे हैं, कुछ क्योंकि उन्होंने बचपन में ही तंबाकू का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और कुछ बदकिस्मती से बिना तंबाकू के दुरुपयोग से भी इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं। सो ओरल कैंसर या माउथ कैंसर के सबसे बड़ा कारण, हमने जैसे बात किया, तंबाकू का दुरुपयोग है। ये बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, खैनी, पान मसाला, किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल करना कैंसर का रिस्क पैदा कर देता है। अगर इस बीमारी से बचना है तो तंबाकू इस्तेमाल नहीं करना। तंबाकू अगर इस्तेमाल करना इस दुनिया में बंद हो जाए, तो 80% माउथ कैंसर इस दुनिया से समाप्त हो जाएगा, यही इसका बचाव है। दूसरा कारण इसका अल्कोहल है, और जो दोनों यूज़ करते हैं, अल्कोहल और टोबैको, उनका रिस्क कम से कम 10 गुना ज़्यादा है एक आम आदमी से। तो ये दोनों से बचे रहें, आप माउथ कैंसर से भी बचे रहेंगे। इसकी सबसे बड़ी पहचान है मुंह में एक छाला या एक गांठ जो ठीक नहीं होती है। समझिए, कुछ हफ्ते से एक छाला आपको महसूस हो रहा है या गांठ है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। जरूरी नहीं कि उसमें दर्द होएगा, लेकिन पहचान इससे होती है कि ये छाला ठीक नहीं होता, और इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। ओरल कैंसर की पहचान जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, इसलिए अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसा छाला है या गांठ है जो ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए सिगरेट पीने से आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है। सिगरेट पीना सिर्फ दिल के लिए ही नहीं, पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी ये सिस्टम वो है जो आपके पूरे शरीर को खून पहुंचाता है। सिगरेट पीने से शरीर और दिल में मौजूद नाड़ियों में डिपॉजिट शुरू हो जाता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इसी वजह से हार्ट अटैक भी पड़ता है। स्मोकिंग से सिर्फ दिल के सर्कुलेशन पर ही नहीं, पूरे शरीर के सर्कुलेशन पर असर पड़ता है। जैसे दिमाग तक जो नाड़ी जाती है उसमें खराबी आने से पैरालिसिस हो सकता है। अगर किडनी या गुर्दे की नाड़ी में ब्लॉकेज आ जाता है तो किडनी फेलियर हो सकता है। टांगों की नाड़ियों में ब्लॉकेज हो तो फिर चलने फिरने में दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनको हाथों पैरों में दर्द रहता है। कई बार ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सर्कुलेशन कम हो जाता है, टांगे तक कटवानी पड़ सकती हैं कुछ बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में। स्मोकिंग से पूरे शरीर पर ही बुरा असर पड़ता है, इसलिए इस खतरनाक आदत से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है तो इसे छुड़ाने के लिए आप प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं, साथ ही मार्केट में मौजूद निकोटीन पैचेस और च्युइंगम का भी सहारा ले सकते हैं, समझे। अब हमारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जाने अगर शरीर में सूजन है तो फिर क्या खाना चाहिए।
एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें उन्हें कहते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन से बचाने में मदद करती हैं। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है? दरअसल इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया होती है। ये किसी भी तरह की सूजन या फिर शरीर में आए इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़े फल जैसे कि पपीता, खरबूजा और आम शामिल हैं, ये खा सकते हैं। इसके अलावा खट्टे फल जैसे कि संतरा, नींबू, आंवला भी ले सकते हैं। दलिया, तिल, अलसी, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट भी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों में आते हैं, तो इन्हें खाया जा सकता है। आज से हद पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। जाते जाते ही मजे की बात सुनते जाइए। शुरू हो गया यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम एलटी प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? एलटी प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में देखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई सारे नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर ललन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ियां और गलतियां की हैं, ये BTS माने बिहाइंड द सीन्स भी आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा महीने भर का ललन टॉप मजा। सूचना समाप्त। शुक्रिया।